नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आकांक्षा दुबे केस में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं, जहां भोजपुरी एक्टर समर आकांक्षा दुबे की मौत के बाद ही फरार हो गया था, क्योंकि अभिनेत्री की मां ने लगातार उन पर बेटी की हत्या का आरोप लगाए। मधु दुबे ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें खोजने में जुट गई। बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद समर को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं सभी की नजरें समर के बयान पर टिक गई कि आखिरकार अब हिरासत में जाने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद समर कौन से नए राज से पर्दा उठा देगा। ऐसे में पुलिस की पूछताछ में उसने दो लोगों का नाम ले लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि समर सिंह ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे इस मामले में दोषी है और 25 मार्च की रात आकांक्षा की आखिरी कॉल आई थी, लेकिन कुछ सेकंड ही बात हो पाई थी और फोन कट गया था। समर का कहना है कि जब आकांक्षा का कॉल आया था तो वहां काफी शोर था, इसलिए उसने जल्दी में फोन काट दिया। आरोपी ने पुलिस से उसके फोन कॉल डिटेल निकालने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, समर सिंह ने यह भी कहा है कि उसका आकांक्षा के साथ काम को लेकर संपर्क होता था और इसके अलावा कोई दूसरा संबंध नहीं था। यानी कि जो बातें अभी उठाई जा रही थी, कही जा रही थी, समर सिंह का साफ तौर पर उन पर एक फुल स्टॉप लगा देना कि उसका आकांक्षा दुबे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन आकांक्षा दुबे की मां के जो बयान है वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं कि समर सिंह ने उनकी बेटी के साथ जिस तरीके की हरकतें की और तमाम ऐसी बातें जो आकांक्षा दुबे की मां बता रही है वो समर सिंह के बयान से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है। समर सिंह ने पूछताछ में दो लोगों के नाम का खुलासा किया है, जिसमें से एक वाराणसी का है और एक मुंबई से ताल्लुक रखता है। आरोपी का कहना है कि ये दोनों ही लोग आकांक्षा के बेहद करीबी हैं और वे आत्महत्या के पीछे के कुछ स्पष्ट कारण बता सकते हैं। समर सिंह के खुलासे के बाद आकांक्षा के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब पुलिस उन दोनों युवकों की छानबीन में जुट गई है और साथ ही संदीप सिंह से भी दोबारा पूछताछ होनी है, जो आकांक्षा को होटल में छोड़ने गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। हालांकि अब एक्ट्रेस की मौत की गुत्थी सुलझनी हुई नजर नहीं आई और ना ही उसकी आत्महत्या की असली वजह सामने आ पाई, क्योंकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। ऐसे में समर के बयान के कई मायने नजर आ रहे हैं। कहीं पुलिस कुछ मिस तो नहीं कर रही? जो समर को पता है, जिस तरीके से समर ने दो लोगों के नाम बताए हैं, वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कोई ऐसे दो शख्स जो पुलिस की नजरों से बच गए, लेकिन आकांक्षा दुबे केस में वो अहम हो सकते हैं। अब देखना ये है कि समर सच बोल रहा है या आकांक्षा की मौत की जो ये बातें समर पर इल्जाम लगा रही हैं, समर पर तमाम तरीके के जो इल्जाम लग चुके हैं, आरोप लग चुके हैं, उनसे वो पीछा छुड़ाना चाहता है, खुद को बेकसूर साबित करना चाहता है। आपको बता दें कि मरने से पहले आकांक्षा का समर को कॉल आना उसको एक शक पैदा कर रहा था कि आखिरकार मरने से पहले समर को कॉल करना, आकांक्षा दुबे समर के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो, तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करती थी, जो नजदीकियां दोनों के बीच बयां हो रही थी, उसके बाद आकांक्षा दुबे की मां के बयान जो उस शक को पूरा गहरा कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने समर को गिरफ्तार तो कर लिया, बयान भी समर का सामने आ गया, दो लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं, लेकिन अब ये केस और कौन सा नया मोड़ लेता है ये देखना बाकी है। इस केस से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।